जी वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल था कि क्या नाम है, जैसे हमारे वाले यानी हमारा सवाल नहीं है, दूसरे का सवाल है। तो वो बोले थे जैसे हम लोग अपना पर्सनल अपना प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं, लेकिन बना के अपने अम्मी के नाम कर दिए, अपने अम्मी के नाम को लिखा है, तो अम्मी ने उसमें बहनों का भी नाम दर्ज कर दिया। यानी जब नाम लिखाते हैं ना बच्चों का उसमें, तो उसमें बहन का हक है कि यानी हम भाई जो भाई लोग लिए उन्हीं का हक है उसमें? जी वाज़े है आपका सवाल, बस एक सवाल है उसका आप जवाब दीजिए ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। आपने कहा कि आपने भाइयों ने या आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई और उसको अपनी वालिदा के नाम कर दिया, तो आप ये बताइए कि आपने अपनी वालिदा के नाम क्यों कर दिया, आपका क्या मकसद था? क्या आपका मकसद ये था कि मैंने अपनी वालिदा को दे दिया, या आपने अपनी वालिदा के, जैसे हम कोई पैसा कमाते हैं तो हम किसी के पास रखते हैं, कभी ऐसा होता है हम किसी के पास रखते हैं, भाई इसको रखिए मैं बाद में ले लूंगा, तो क्या आपने अपनी वालिदा के पास बतौर अमानत रखा है या बतौर इस तरीके पर दिया है कि आप इससे फायदा उठाइए बाकी फिर हम इसको वापस ले लेंगे, या आपका आपकी नीयत ये थी कि मैंने दे दिया अपनी वालिदा को? नहीं नहीं सर, जैसे अपने यहाँ रहता है ना कि हम सब भाई साथ में है तो सब भाई कमाए, उसके बाद वो खरीद के माँ के नाम कर देते हैं जिससे किसी में आपस में इख्तलाफ ना हो, माँ के नाम है भाई मेरे। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि माँ के नाम आपने जब किया तो क्या माँ को दे दिया या सिर्फ माँ के पास रखा है कि माँ रखे रहो बाद में हम ले लेंगे? लालम इसका तो मैं बोला नहीं, हमारा सवाल नहीं दूसरे का, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ कोई बात नहीं। देखिए मैं दोनों पहलू का जवाब दे देता हूँ, फिर आप ये जवाब उनको सुना दीजिएगा। अगर आपने कुछ कमाया, आपने या आपके भाइयों ने, और चाहे पैसे की शक्ल में या जमीन जायदाद की शक्ल में आपने अपने वालिदैन के नाम उसको लिख दिया, और आपका मकसद ये है कि मैं अपने वालिदैन को दे रहा हूं अब वो जो चाहे करें, अगर ये आपका मकसद है तब तो वो आपके वालिदैन का हो गया, या जिसके भी नाम आपने लिखा है, चाहे वालिद या वालिदा, जिसके भी नाम आपने लिखा है जिसको दिया है उसका हो गया। अब जब वो चीज उसकी हो गई तो जाहिर है वो जिसको चाहे उसको दे, उसकी अपनी मिल्कियत हो गई। अब अपनी जिंदगी में अगर वो अपने बच्चों को देना चाहे तो जरूरी है कि बेटे और बेटियों सबको बराबर दे, और अगर अपनी जिंदगी में उसने किसी को नहीं दिया है, उसकी वफात हो गई, तो उसके अंदर जितने भी उसके वरसा हैं सारे अपने अपने हिस्से के मुताबिक शरीक होंगे। ये उस वक्त है जब आपने अपनी वालिदा को दे दिया है कि अब ये आपका है। और अगर आपने अपनी वालिदा के नाम, मान लीजिए घर उनके नाम कर दिया, आपने इसलिए उनके नाम किया है ताकि उनके नाम रखा रहे, मेरा महफूज रहे, मैं बाद में वापस ले लूंगा, या मान लीजिए आपने कहा वालिदा आप इसमें रहिए, ये घर है आप इसमें रहिए, बाद में हम जब जरूरत होगी तो हम वापस ले लेंगे आपसे, या ये आपका अकाउंट है पैसा हम जमा कर देते हैं जब हमको जरूरत होगी हम वापस ले लेंगे, अगर इस तरह से आपने दिया है तो वो आपकी वालिदा का नहीं हुआ, तो उनको फिर हक नहीं है कि वो किसी और को दे दे क्योंकि वो आप ही का है। तो अब आप लोग ये खुद फैसला कर लीजिए कि आपने किस हैसियत से उनको दिया है। जी कौशल भाई ठीक है। शेख अरशद, ये मसला जो है ये मसला हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा पेश आता है, और ये इस वजह से है कि अपने दीन के बारे में, अपने हुकूक के बारे में लोगों को पता नहीं है। पहले तो बड़े खुश होते हैं, पैसा कमा कमा के वालिदैन के अकाउंट में दे रहे हैं, अब उनको पता भी नहीं मैं क्यों दे रहा हूं, भाई किस लिए दे रहे हो, अपने वालिद के अकाउंट में आप करोड़ों रुपया जमा कर रहे हो, किस हैसियत से दे रहे हो? अगर आपने उनको दे दिया तो अब वो जहां चाहे वहां खर्च करे, आप फिर बाद में आपको बुरा क्यों लगता है? सही बात। और वालिदैन भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एक बच्चे से लेंगे और खूब लेंगे, पूरी जिंदगी की कमाई लेंगे और उसको दूसरे बच्चों को देते रहेंगे, जबकि अगर वो उनकी अपनी मिल्कियत हो भी गई है तब भी उनके लिए जायज नहीं है कि किसी एक ही औलाद को दें, अगर वो देना चाहते हैं तो सबको दें, और अगर वो उनकी मिल्कियत नहीं बनी है तब तो वो बतौर अमानत उनको रखना चाहिए। जी बिल्कुल,
जज़ाकल्लाहु खैर शेख। असल में ये मुश्तरका खानदानी निज़ाम जो है इस तरह का, ये बाद में जाकर के तकलीफ देता है अगर वजाहत ना हो हर चीज की। हाँ, तो इस पर इंशाल्लाह, इस पर भी हम लोग जब हुकूक पे बात करेंगे तो किसी मुनासिब मौके पर हम मुश्तरका खानदानी निज़ाम पर भी आएंगे, जो बहुत ही तकरीबन मैं कह सकता हूँ नासूर बन चुका है मुआशरे का। जी जी बिल्कुल शेख, जज़ाकल्लाहु खैर शेख।